विटामिन सी और जिंक आपको बचा सकता है कोरोना से। देखिए, अभी कोरोना के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी और जिंक। तो ये क्यों करते हैं प्रिस्क्राइब, वो हम देखेंगे। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी अपनी बहुत सारी बढ़ाता है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। शुगर यदि है तो वो शुगर का जो भी साइड इफेक्ट्स है अपने बॉडी के ऊपर हाई शुगर का, उसको नील करने में विटामिन सी मदद करता है। फिर फेफड़ों को वो प्रोटेक्शन देता है, फंगल इन्फेक्शन होने से बचाता है, सूजन होने से बचाता है। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और हमारी इम्यूनिटी मतलब प्रतिकार शक्ति बढ़ती है तो हम वायरस से, कोरोना वायरस से अच्छा लड़ सकते हैं। विटामिन सी कौन से फलों में होता है हम देखेंगे, पहले कार्टून टाकते हैं। विटामिन सी कौन से फलों में होता है, संतरा, नींबू, नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में, फिर आंवला, अमृत, पाइनएप्पल, अंकुरित मूंग, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। यदि आप फल नहीं खाते हैं और कोरोना होता है तो फिर विटामिन सी की टैबलेट्स आती है, वो विटामिन सी की टैबलेट 500 मिलीग्राम रोज एक या दो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद होती है। इसके साथ साथ जिंक भी देते हैं। जिंक यह एलिमेंट जो है वो बहुत फायदे का है बॉडी के लिए, और वो जिंक जो एलिमेंट है उसमें इम्यूनिटी, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने में मतलब इम्यूनिटी यदि आपकी बढ़ती है तो कोरोना का जो प्रभाव है अपने शरीर के ऊपर वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हो सकता है और वहाँ से हम बच सकते हैं। इसमें पालक का रस जिसमें जिंक ज़्यादा है, मशरूम की सब्जी, छोले की सब्जी, इसमें जिंक ज़्यादा रहता है। अब जब कोरोना होता है तो फिर सीधा जिंक की टैबलेट ही दे देते हैं डॉक्टर्स, और जिंक की गोलियाँ देते हैं रोज़ सुबह शाम एक एक या सवेरे एक, तो उससे भी जिंक की लेवल बॉडी में बढ़ जाती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन सी और जिंक लेना न भूलिएगा। विटामिन सी और जिंक जो भी खाद्य पदार्थ में है वो ज़्यादा खाना, या फलों में है तो फल लेना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली कोरोना के पेशेंट में। थैंक यू वेरी मच।